हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं, मैं हूं पंकज भार्गव। बंगाल में तीसरे दौर के मतदान से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बड़ी रैली की। पहली रैली तारकेश्वर में, दूसरी रैली साउथ 24 परगना के सोनारपुर में। दोनों ही रैलियों में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम मोदी ने क्रिकेट मैच का जिक्र किया, कहा जब खिलाड़ी अंपायर के फैसले पर बार बार सवाल उठाए तो समझो खेला शेष है, यानी खिलाड़ी हार चुका है। 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। मुझ पर गालियों की बौछार भी बढ़ती जाएगी और अब तो इलेक्शन कमीशन कहो, सुरक्षा प्रबंध वाले लोग हो, हर किसी पर। हम सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। चुनाव के मैदान में कोई कभी ईवीएम को गाली दे, कभी चुनाव आयोग को गाली दे तो समझो उसका खेला शेष है, उसका खेला शेष है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।